सो लास्ट क्लास हमने जो था बायोमोलिक्यूल्स का सेकेंड पार्ट कवर कर लिया था। सेकेंड पार्ट में था न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, सुगर एंड बेस, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। इसका जो थर्ड पार्ट है वो आज हम लोग कवर करेंगे, उसमें का कार्बोहाइड्रेट पार्ट आज हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आई होप पढ़ चुके हो तुम लोग, फिर भी हम लोग थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट एज द नेम सजेस्ट, कार्बोहाइड्रेट नाम सुन के ही लगेगा कि इट इज नथिंग बट हाइड्रेट ऑफ कार्बन। इस वर्ड का क्या मतलब होता है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड वाटर। कैसे समझ सकते हैं हम इस चीज को, एक एग्जांपल लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, सी एक्स एच टू ओ वाई, दैट इज कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज 1:2, 2:1 के रेशियो में होना चाहिए। ये रेशियो होना चाहिए। और अगर मैं ऐसे ना बोलूं तो मैं बोलूं कार्बन होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 2:1 के फॉर्म में होगा, क्योंकि वाटर इसमें लगा हुआ है। एक एग्जांपल समझते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है, बच्चे बच्चे को ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होता है, C6H12O6। यहाँ पर अगर मैं इसको अच्छे तरीके से ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूं कि C6H2O6, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? इसका मतलब इसमें कार्बन भी है और वाटर भी है, और इस वाटर का रेशियो 2:1। इज इट क्लियर यहां तक? हाँ सर। तो इसके अलावा भी दूसरा होता है, और कोई कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला पता है अदर देन दिस, एनी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला? मेल्टोस, स्टार्च, इन सब का किसी एक चीज का फॉर्मूला पता है? नो सर, मैल्टोस का भी तो शायद तक C6H12O6 होता है। नो नो, फ्रुक्टोज का सेम होता है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है यही फ्रुक्टोज का होता है, फ्रुक्टोज का भी सेम फॉर्मूला है, तो बाकी का अलग होगा। ओके, उसके बाद आ जाए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग पहले क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोग्रुप। मोनोग्रुप मतलब कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा जो ग्रुप है वो है ग्लूकोज। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ योर सिंपलेस्ट ग्रुप इसको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का क्या प्रॉब्लम है? मोनोसैकेराइड में सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है। मोनोसैकेराइड्स में जो होता है इसको हम लोग कहते हैं वन यूनिट, सिंपल हम लोग कह सकते हैं वन यूनिट। मोनो का मतलब होता है वन यूनिट। ठीक है, इसमें अगर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, चलो इसमें हम लोग स्टेटमेंट लिखना चाहे तो हम ये कहेंगे व्हेन कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलाइसिस व्हेन कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलाइसिस डज नॉट स्प्लिट, डज नॉट स्प्लिट टू गिव सिंपल कार्बोहाइड्रेट
और वी कैन से प्रोड्यूस ओनली वन सिंपल कार्बोहाइड्रेट देन इट इज कॉल्ड मोनोसेकर। मोनोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट है जिसका हाइड्रोलाइसिस करने से हमें उससे सिंपल और कुछ नहीं मिलेगा। तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं इट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। सबसे सिंपल वाला जो है उसी को हम लोग मोनोसैकेराइड कहते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। दोनों का सेम फॉर्मूला है लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है, ये हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड आई हो समझ में आया होगा। दूसरे में इससे जब ज्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में जो यूनिट होता है वो होता है टू मोर देन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने मिसिंग कर दिया, सॉरी। ओलिगोसैकेराइड से पहले डाइसैकेराइड देख लें, सॉरी डाइसैकेराइड। जैसे मोनो हुआ, तुमको पता है मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा तुम खुद लिख सकते हो कि इसका अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कितने सारे यूनिट मिलेंगे मुझे सिंपल कार्बोहाइड्रेट के। यस, सर वापस से रिपीट मोनोसेक कीजिए। मोनोसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस किया तो कोई भी सिंपल इससे सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं तो मिलेगा। एक आएगा, इसमें एक मिलेगा। इसमें एक मतलब वो खुद ही रह जाता था तो वो एक है। इसको हम लोग हाँ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें दो मिलेगा, दैट इज व्हाई इट इज टू यूनिट। तो मैं इसका सिर्फ सर, एग्जांपल लिख रहा हूँ, डेफिनेशन लिख लोगे। एग्जांपल इसका है लैक्टोज, ठीक है, सुक्रोज एक्सेट्रा। इसका फॉर्मूला होता है C22, सॉरी C12H22O11। C12H22O11। अच्छा, जरा ध्यान से देखो, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला को प्रूफ किया जा सकता है। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ H2O में से 11 कॉमन ले लें तो ये फॉर्मूला बैठ जा रहा है, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, चलो तो C12H22O11, इसमें अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ब्रेक डाउन होकर देखो क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। देखो बैलेंस करके देखो, 12 है, 6 प्लस 6 12, 22 प्लस 2 24, 12 प्लस 12 24, यहाँ 11 है और यहाँ 18, 6 प्लस 6 12। तो एक यूनिट यहाँ मिला, एक यूनिट यहाँ मिला, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड। क्लियर नाउ? आई होप समझ में आया होगा। थर्ड वाला जो है इसे हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में 3 to 7 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे डाइसैकेराइड में 2 प्रोड्यूस हुए थे ना, उसी तरह ओलिगोसैकेराइड में 3 to 7 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। इसका एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इसका
वृद्धम नहीं दिखाया जा सकता, सिर्फ एग्जाम्पल याद रखो, जिसका एग्जाम्पल है ग्राफिनोल। ठीक है, तो 3 से 7 यूनिट अगर होंगे तो वो हम लोग कहेंगे ओलिगोसैकेराइड, और अगर उससे भी ज्यादा हो तो 7 से भी ज्यादा हो, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, इतने सारे अगर हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में मैनी यूनिट ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा जितने भी हैं सब पॉलीसेकेराइड के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन समझ में आया या नहीं बताओ? हेलो, हाँ सर, समझ में आया क्लासिफिकेशन? हाँ सर, हाँ पॉलीसेकेराइड में एक चीज में एक्स्ट्रा फॉर नीट एंड जेईई के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज में दे दे रहा हूँ, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड बट फॉर जेईई में यहाँ से एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ देता है। पॉलीसेकेराइड को फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोनो यूनिट। मोनो यूनिट्स के फॉर्म में, मोनो यूनिट्स मतलब जो मेरा यूनिट बाहर निकल रहा है सैकेराइड का, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, तो अगर वो एक जैसा ही हो सारे मोनो ग्रुप, जैसे सारे ग्लूकोज ही बने या सारे फ्रुक्टोज ही बन गए, तब उसे हम लोग कहते हैं होमो पॉलीसैकेराइड। अगर सेम मोनो यूनिट प्रोड्यूस हुआ, अगर सेम मोनो यूनिट प्रोड्यूस हुआ तो हम उसे कहेंगे होमो। बायोलॉजी में ऑलरेडी सुन चुके हो लोग ये सारे टर्म्स, पॉलीसैकेराइड। होमो मीन्स सेम, ओके। और अगर डिफरेंट प्रोड्यूस होंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनो यूनिट अगर हुए तो क्या कहेंगे तब हम उसे? मोनो तो होमो हम लोग कहते हैं सेम के हेट्रो, लिए, हेट्रो। एग्जैक्टली, हेट्रो पॉलीसेकेराइड। ठीक है, होमो सेकेराइड का एक एग्जांपल याद रखो पॉलीसेकेराइड का, सेलुलोज। सेलुलोज एक होमो पॉलीसेकेराइड है, जबकि हेट्रो में बहुत सारे आते हैं। ठीक है, आर्बिनोज, मैनोज एक्सेट्रा। इसी के साथ इसको हम लोग दूसरा और एक है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शंस के बेसिस पे इसको बोला जाता है किस काम में आता है, तो एक होता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। और एक होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। एक सिर्फ स्टोर होता है, सारे आके एक साथ स्टोर हो जाते हैं, और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो स्टोर होने वाला सबको पता है स्टार्च, जो हर खाने पीने वाले चीज में स्टोर हो जाता है, स्पेशली तुम्हारा चावल होगा, आलू होगा, पोटैटोज, बार्ली, इसमें स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। एंड सेलुलोज जो होता है वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में मिलता है, तो सेलुलोज। इसके बाद इस पर चला जाए तो बहुत ज्यादा स्टडी किया जा सकता है, बट उतना हम लोग नहीं करेंगे। सेलुलोज को डिटेल में पढ़ना, इसका अगर तुम्हारे बुक में हो
या फिर एग्जाम में पूछा जा रहा हो तो मुझे कहना, मैं इसको फिर डिटेल में बताऊंगा। इसमें हम लोग सेलुलोज को डिटेल में पढ़ सकते हैं, ग्लाइकोजीन को, देन इंसुलिन को, अगर अगर बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बट दैट इज नॉट इसेंशियल। हम लोग को एक मोनोसेकेराइड को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, एंड दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, उसे हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कौन से कैटेगरी में आते थे? दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मोनोसेकेराइड। यस, तो हम लोग कहेंगे स्टडी ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसैकेराइड हमने पहले ही कहा कि एक है हमारा ग्लूकोज और एक है फ्रुक्टोज, दोनों के नाम अलग, दोनों के फॉर्मूले सेम। आज इतने सालों बाद आज हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में इनमें अंतर कहाँ पर है। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, CHO, देन एक काम करो 6 कार्बन को ऐसे लिख दो, 3 4 5 6, यहाँ भी ऐसा ही करो, एक ये फिशर दो हुआ ना, तीन चार। हाँ ये फिशर डायग्राम भाई, दूसरा वाला व्रत। वो हम लोग अभी डायग्राम में नहीं जाएंगे, अभी जस्ट नॉर्मल स्ट्रक्चर हम लोग समझ रहे हैं। ओके, दो किसका जो है प्रोजेक्शन दो तरह का होता है, हम लोग नॉर्मल अभी फिलहाल स्ट्रक्चर जब सीख रहे हैं। तो 6 कार्बन बनाओ, और उसके बाद पहले कार्बन में अगर हम लोग एल्डिहाइड को फंक्शनल ग्रुप बना ले, और यहाँ पर सेकेंड कार्बन अगर कीटोन ग्रुप बन जाए, तो समझ में आ जाता है कि ग्लूकोज है एल्डिहाइड वाला और कीटोन ग्रुप वाला है फ्रुक्टोज। बाकी बैलेंसिंग हम लोग हाइड्रोजन और OH से करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर में अब मैं बताऊंगा वो अलग अलग कैसे होता है। तो HOH इस तरीके से अरेंज करो, HOH, दैट्स ऑल। मैं ऑल्टरनेट क्यों कर रहा हूँ ये मैं बाद में बताऊँ, फॉर द टाइम बीइंग बस इसको ऐसे याद रखो कि ऐसा हो। और उसी तरह यहाँ पर इसको बैलेंस कर दो, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, सारे हाथों को इस तरीके से बैलेंस करना है हमें। तो एच एच ओ एच ओ एच एच ओ एच एच OH, तो एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर बनाना सबसे आसान। बहुत बार बुक में ऐसे लिखा रहेगा, इसको कंफ्यूज मत होना, इसको ऐसे लिख देता है CHO, एंड देखो ये आपस में रिपीट हो रहा है, और ये सारे है क्या CHOH है। ध्यान से देखो जरा, CHOH कितने बार रिपीट हो रहे हैं, ये 4 बार रिपीट हो रहे हैं। फिर लास्ट वाला है CH2OH, ध्यान से जरा देख के मुझे बताओ समझ में आया नहीं। तो ग्लूकोज को ऐसे भी लिख दिया जाता है सिंप्लिसिटी के लिए, एंड सिमिलरली फ्रुक्टोज को कैसे लिखा जाता होगा, ध्यान से देखो, ऊपर CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड O, एंड देन 1 2 3 रिपीटिशन है। सो हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं, CHOH 3 times एंड देन CH2OH। तो बुक्स में इस तरह के फॉर्म में इक्वेशंस ज्यादा लिखे जाते हैं, तो ये दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। सो दैट इज वाई यहां पर जो है फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप यहां पर है एल्डिहाइड, और यहां पर है फंक्शनल ग्रुप कीटोन। दैट इज वाई एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन सर सॉरी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स,
सेम फॉर्मूला है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इसीलिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, तो इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आज के क्लास में, एटलीस्ट इसको खत्म कर देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे जब एल्डिहाइड और कीटोन का जो प्रॉपर्टी होता है वो सारा ये फॉलो करेगा, है ना। तो अगर मैं बोलूँ रिडक्शन प्रॉपर्टी, मैं जनरली ग्लूकोज के बारे में पहले पढ़ूंगा और फ्रुक्टोज तुम्हारा होमवर्क रहेगा, तो ग्लूकोज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो तुम्हें पता है कि रिडक्शन होता है तो क्या होता है एल्डिहाइड का, बताओ। हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एग्जाम दे चुके हो प्री बोर्ड का, क्या होता है जब एल्डिहाइड को रिड्यूस किया जाता है, बताओ। What happened when aldehyde reduced? Come on. Am I audible or not? ओह सॉरी सर, आई वाज प्रेसिंग, मैं होम बटन दबा रहा था तब से माइक की जगह। एक मिनट सर, एल्डिहाइड रिड्यूस होके एल्डिहाइड व्हेन रिड्यूस इट प्रोड्यूस अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल यस। इतना बार पढ़े हम लोग, कार्बोहाइड्रेट्स हाँ को कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करोगे तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं तो हमारा बनता है अल्कोहल, यही फॉर्मूला है। तो अगर मैं ग्लूकोज को लूं और उसको रिड्यूस कर दूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं अगर इसको ऐसे लिख रहा था, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो CH2OH ऐसा लिख रहा था, जिस फॉर्म में लिखे थे उसको ही लिख रहे CHO। This is the life straw and I'm going to use it to see if we can turn the hidden clause, the hidden clause. CHOH whole 4, then CH2OH. And if we use reducing agent, just like your nickel, okay, we call rainy nickel, hydrogen at some elevated temperature, then this aldehyde group converted into alcoholic group. So this is called glucose and this is called sorbitol. Sorbitol इसका कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम तुम लोग लिख सकते हो, एक बार लिख कर देखना, हेक्सा हाइड्रोक्सी हेक्सेन, दिस इज द IUPAC नेम। ओके, तो ये था हमारा रिडक्शन होमवर्क फॉर फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के लिए कैसा होगा रिएक्शन लिखो। दूसरा ऑक्सीडेशन, तो हमें पता है कि हम लोग अगर एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है ये बताओ, अगर एल्डिहाइड या कीटोन हो और इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बन रहा है तो उसी तरीके से हम एल्डिहाइड का भी इसका कर सकते हैं ग्लूकोज का। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो तुम्हें पता है, बहुत सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक योर ब्रोमीन वाटर इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वी कैन यूज डाइल्यूट HNO3। सो दिस एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप।
इसको हम लोग तो ग्लूकोज कहते हैं और इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो अगेन होमवर्क फॉर फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज के लिए क्या रिएक्शन होगा, रिएक्शन मुझे लिखकर भेजोगे से एमएलडिहाइड, जैसे जैसे ग्लूकोज के लिए बताते चलना। नेक्स्ट होगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, नॉट रिडक्शन बट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज ओनली। नाउ व्हाट वी नो दैट एल्डिहाइड कैन रिड्यूस सॉलेंस रिएजेंट। मैं एक्चुअली में तुमको ग्लूकोज का रिएक्शन पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, ये भी देख रहे हो, क्योंकि एक्चुअली में हम लोग ग्लूकोज अलग से पढ़ना ही नहीं है। अगर हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ चुके हैं तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, बस नाम पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि एल्डिहाइड जो है कैन रिड्यूस सॉलेंस रिएजेंट एंड फिलिंग सॉल्यूशन। तो अगर एल्डिहाइड रिड्यूस कर सकता है, इसका मतलब हमारा ग्लूकोज भी रिड्यूस कर सकता है, डेफिनेटली फॉर श्योर। सो इफ वी यूज हियर अ एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग ग्लूकोज, ओके, और अगर हम यहाँ टॉलरेंस रिएजेंट लेंगे जिसका रिप्रेजेंटेशन बहुत शॉर्टली हम लोग Ag2O से रिप्रेजेंट करते हैं, सो ये एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसको हम लोग ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं, और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर के सिल्वर मिरर बना देगा। सो यहाँ पे सिल्वर मिरर फॉर्म। सो नोट दिस इज अ टेस्ट ऑफ ग्लूकोज, ओके, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट सर्व्स टेस्ट ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का टेस्ट भी है जो कि फ्रुक्टोज नहीं कर पाता है, और हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिफरेंस पूछे एग्जाम में तो ये रिएक्शन हम लोग करके बता देंगे कि ये रिएक्शन सिर्फ ग्लूकोज कर सकता है, फ्रुक्टोज नहीं कर सकता, ठीक है। फ्रुक्टोज के साथ अगर टॉलरेंस रिएजेंट मिक्स तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। कीटोन नहीं करता है ना, कीटोन तो तुम्हें पता है कि कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकता। हाँ हाँ, हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस ऐसे ही करते थे, तो ये तो नहीं होगा इफ यू यूज कीटोन हियर, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस है जो मैं तुम्हें होमवर्क के तौर पर छोड़ के जा रहा हूँ, करना जरूर होमवर्क, अगर छोड़ोगे एग्जाम में नंबर मिस जाने वाले, इसीलिए होमवर्क कभी नहीं छोड़ना। रिएक्शन इसलिए देके जा रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग सारे एल्डिहाइड कीटोन वाले ही हैं, तो इसके बाद ये हमारा थर्ड नंबर, ठीक है सर, फोर्थ नंबर देख लो। फोर्थ में पढ़ना है रिएक्शन विद एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड, और बेटर टू कॉल्ड एस्टर फॉर्मेशन, एस्टरिफिकेशन बोल के हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इस रिएक्शन को भी हम लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा, वो मैं बाद में बता रहा हूँ। और क्या पढ़ना है हमें, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन।
फॉर्मूला होता है NH2OH। इसका कहाँ पे यूज होगा ये भी हमने देखना है। इसके बाद एक और रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑलरेडी पता है तुम्हें, NH2 ग्रुप को हाइड्रोजन कहते हैं, बट नॉट ओनली हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है, इधर बेंजीन रिंग होगा, देन NH, देन NH2, बट नॉट लाइक दिस। लेट मी रीड्रॉ इट। तो ये है फिनाइल हाइड्रोजन, इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा। ठीक है, इसको कहते हैं, इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, इस रिएक्शन को कहते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन। ऐसा तो लिखा हुआ है, ठीक है इसको लिखना, ओसाजोन फॉर्मेशन रिएक्शन। ये एक टेस्ट ऑफ ग्लूकोज भी होता है, और इसमें जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो एनिलीन बनता है, बाई प्रोडक्ट जो कि काम में आता है। ये इसका एक इम्पोर्टेंस था। इसी तरह प्रीवियस जो रिएक्शन था मैंने बोला हाइड्रोक्सिल अमीन, तो इसमें ग्लूकोज ऑक्सीन बनता है, ग्लूकोज ऑक्सीन, और ये इंडिकेट करता है कि एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज के पास। तो ये इसके ऊपर वाला जो रिएक्शन है ये हमें टेस्ट होता है दैट ग्लूकोज कॉन्टेन एल्डिहाइड ग्रुप। ये टेस्ट करने के काम में आता है जब हम इसे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ओसाजोन फॉर्मेशन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे ऊपर वाला का रिएक्शन विद एसिडिक एनहाइड्राइड, ये हमें इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज के पास पांच जो है हेक्सल ग्रुप जो होता है वो होता है, और पांच अल्कोहलिक ग्रुप होता है। ध्यान से देखो ग्लूकोज को, स्ट्रक्चर में फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर ग्लूकोज के पास कितने सारे OH है, काउंट करो, एक दो तीन चार पांच, मतलब इसके पास 5 OH ग्रुप है। और इसके पास कितने सारे ऐसे कार्बन हैं जो कि CHOH वाले हैं, तो CHOH वाले 6 कार्बन है, 6 ऐसे कार्बन है जिसके हाथ में, एक हाथ में H एक हाथ में OH है। इस चीज को टेस्ट करने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं। तो ये टेस्ट होता है टेस्ट दैट ग्लूकोज कॉन्टेन 6 CHOH ग्रुप एंड 5 OH ग्रुप। इस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। तो ये मैंने छोटा सा चीज तुमको होमवर्क के लिए छोड़ दिया, अगर ये कर लेते हो तो हमारा जो एल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट है, सॉरी ग्लूकोज फ्रुक्टोज वाला पार्ट है, ये खत्म हो जाता है। स्टिल तुम्हारे सिलेबस में अगर कुछ और है तो वो मुझे टेक्स्ट करना, मैं वो बता दूंगा। ठीक है, बस इसका एक लास्ट टॉपिक बच गया है फैट्स। ओके, फैट्स हम लोग करेंगे और ये चैप्टर खत्म। Any questions? Okay, sir. नहीं सर। Okay, good night. Good day, sir. सर आप ये PDF भेज देंगे? Yeah, भेज देंगे। ठीक, thanks.